इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एकदम खत्म होने वाला है। चार पांच क्वेश्चन और लास्ट के बचे हुए हैं, उनको भी हम लोग लगा लिया जाए। बारहवां क्वेश्चन सबसे पहले लगाना है, बारहवां क्वेश्चन। लंबा क्वेश्चन है, टेन इनवर्स रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है अल्फा बाई टू। तो इस समय हम लोग समीकरण हल कर रहे हैं, यानी कि हम दोनों पक्ष लेकर चल रहे हैं और x का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो दोनों पक्ष लेकर चलना है, tan इनवर्स को उधर भेज दीजिए, tan इनवर्स इधर आके हो जाएगा tan, दोनों के बीच में प्लस और इन्हीं दोनों के बीच में माइनस। ऐसा चीज आप देखे होंगे योगांतरानुपात में। तो आप ऐसा करिए, इसको बदल दीजिए पहले साइन बाई कॉस में, टेन को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस। अब अगर आप यहां लगाते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो, यानी योगांतरानुपात, तो आप अंश में हर को जोड़ेंगे, तो जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये दोनों जुड़कर हो जाएगा टू रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर। फिर अंश में से हर को घटाएंगे, जब इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, ये कट जाएगा और ये चिन्ह बदल के माइनस माइनस ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी माइनस टू रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। इधर क्या करेंगे, अंश में हर को जोड़ेंगे और फिर अंश में हर को घटाएंगे, मतलब दोनों पक्षों में एक ही काम। ये दो से दो कट गया। योगांतरानुपात लगाने पर ये मिला। अब यहां देखिए रूट है, पहले अगर वर्क करते तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इधर लगता, रूट हटता नहीं पूरी तरह, लेकिन अब अगर वर्क कर दिया जाए स्क्वायर तो इधर से रूट हट जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस का वर्क करेंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन अब इधर लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर नीचे, तो ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू साइन अल्फा बाई टू जगह थोड़ा कम पड़ जा रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, और नीचे लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी,
अब देखिए वन प्लस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, ये वन हो जाएगा। और टू साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का, तो यहां पर हो जाएगा साइन, जब इसमें दो का गुणा करेंगे तो अल्फा, फिर एक बार प्लस माइनस है तो एक बार फिर आप लगा दीजिए योगांतरानुपात कंपोनेंडो डिविडेंडो। जब अंश में हर को जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वन और वन जुड़ के टू, जब अंश में हर को घटाएंगे चिन्ह बदलेगा तो वन कट जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर। और इधर जब अंश में हर को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस में कट जाएगा, वन और वन टू, और जब घटाएंगे घटाने पर चिन्ह बदलेगा तो वन कट जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा टू साइन अल्फा, दो कटा दो कटा, तिर्यक गुणा एक्स स्क्वायर बराबर साइन अल्फा, यानी एक्स बराबर रूट में साइन अल्फा, यहां प्लस माइनस चाहे लगा सकते हैं। तो इस तरह से दो दो बार योगांतरानुपात लगाकर हम लोग इस समीकरण से x का मान ज्ञात किए और वो x का मान आया रूट में साइन अल्फा। ये 12वां क्वेश्चन था। तेरहवां क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है एकदम। इधर टेन है इधर साइन है, टेन के साथ है कॉस इनवर्स, किसी भी इनवर्स को आप दूसरे त्रिकोणमिति में बदल सकते हैं, तो इस कॉस इनवर्स को बदल दीजिए टेन इनवर्स में ताकि टेन और टेन इनवर्स एक साथ रहे हट जाए, इस कॉट इनवर्स को बदल दीजिए साइन इनवर्स में ताकि साइन और साइन इनवर्स एक साथ रहे तो हट जाए, यहां एक्स के नीचे कुछ नहीं है तो वन है, कॉस इनवर्स के साथ ऊपर होगा आधार बेस और नीचे होगा कर्ण हाइपोटेन्यूस, बटे में कुछ नहीं है तो वन, इधर कॉट इनवर्स के साथ ऊपर होगा आधार बेस और नीचे होगा लंब परपेंडिकुलर, तो यहां पर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो लंब का वर्ग बराबर वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो लंब बराबर हो जाएगा रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, दो का वर्ग चार एक का वर्ग एक, तो कर्ण हो गया रूट में चार और एक पांच। अब अगर इस कॉस इनवर्स को हम लोग बदला जाए टेन इनवर्स में तो लिखेंगे लंब परपेंडिकुलर बटे आधार यानी एक्स, और अगर इस कॉट इनवर्स को बदला जाए साइन इनवर्स में तो साइन इनवर्स के साथ ऊपर रहेगा लंब और नीचे रहेगा कर्ण, टेन और टेन इनवर्स एक साथ है हट गए,
जो साथ में है वो बच गया, साइन और साइन इनवर्स एक साथ है हट गए, जो साथ में है बच गया। अब दोनों तरफ कर दिया जाए वर्ग स्क्वायर ताकि रूट हट जाए, ये रूट हटेगा लेकिन इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये फोर हो जाएगा और इसका रूट हट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई त्रिक गुणा, चार एक्स स्क्वायर बराबर पांच माइनस पांच एक्स स्क्वायर, ये माइनस पांच एक्स स्क्वायर इधर आके जुड़ जाएगा, नौ एक्स स्क्वायर बराबर पांच, तो एक्स स्क्वायर बराबर पांच बटे नौ, तो एक्स बराबर होगा रूट फाइव बाई थ्री, प्लस माइनस लगा देंगे वर्गमूल निकाले हैं, तो यहां से एक्स का मान निकला रूट फाइव बाई थ्री प्लस माइनस, तो ये तेरहवां क्वेश्चन है। अब हम लोगों को लगाना है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन, तीन टेन इनवर्स इधर जुड़ रहे हैं बराबर है टेन इनवर्स थ्री एक्स, तीन टेन इनवर्स को जोड़ने वाला फार्मूला भी याद किया जा सकता है, वैसे पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है लेकिन याद नहीं कर रहे, दो से भी काम चल जाता है। ये दोनों देखिए थोड़े एक तरह के हैं, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, और ये एक्स और ये थ्री एक्स एक तरह के दिख रहे हैं, इन दो टेन इनवर्स को एक साथ रखिए, और इस टेन इनवर्स को उधर भेज दीजिए, अब इधर दो टेन इनवर्स को जोड़ने वाला फार्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान वन माइनस एक्स इंटू वाई, और दो टेन इनवर्स को घटाने वाला फार्मूला टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपान वन प्लस एक्स इंटू वाई। अब दोनों तरफ टेन इनवर्स है हट गए, ऊपर एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन ब्रैकेट तोड़ दिए, नीचे इनका इंटू करते समय भी ब्रैकेट लगाए रखा जाए क्योंकि माइनस के कारण साइन बदलेगा, ये हो गया आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का वर्ग एक, टेन इनवर्स तो हट चुका है, ऊपर टू एक्स नीचे वन प्लस इनका गुणा थ्री एक्स स्क्वायर, ये प्लस वन माइनस वन कट गया, अब ये जुड़ के हो गया टू एक्स अपान वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, अगर नीचे से 2x कटे तो काट देना चाहिए, लेकिन अगर ऊपर से 2x कट रहा है तो मत काटिए, 2 काट सकते हैं, x अगर ऊपर से कट रहा है तो मत काटिए, हमको x का मान ज्ञात करना है और x का जितना ज्यादा मान ज्ञात हो सके उतना ज्यादा अच्छा है, तो आप एक काम कीजिए x अपान 2 माइनस एक्स स्क्वायर के बगल में इसको बुलाकर
एक्स काटिए मत, इस तरफ बुला के एक्स कॉमन ले लीजिए। तो जब आप एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा वन अपान टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर। अब दो चीजों का गुणनफल जीरो है तो एक बार पहले वाले को जीरो कर देंगे, एक बार दूसरे वाले को। तो जब दूसरे वाले को जीरो के बराबर करेंगे तो वापस इसको उधर भेज दीजिए, वापस इसको इधर भेज देंगे और तिर्यक हुआ वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू माइनस एक्स स्क्वायर। तीन एक्स स्क्वायर में ये आके जुड़ेगा और दो में से एक घट जाएगा, तो यहां से एक्स का मान आएगा प्लस माइनस वन बाई टू, यानी कि यहां एक्स के तीन मान प्राप्त हुए, जीरो भी हो सकता है, प्लस वन बाई टू भी और माइनस वन बाई टू। क्वेश्चन नंबर 14, तीन आंसर प्राप्त हुए। अब क्वेश्चन नंबर 15-16 एक तरह का है, इसमें दो समीकरण दिए गए हैं, तो जब दो समीकरण दिए गए हैं तो दो चीजों का मान निकालना है, एक एक्स का मान और एक वाई का मान। अब यहां 90 दे दिया है और यहां जीरो, कोई भी कोण दिया जा सकता है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो पहला समीकरण है इसमें दोनों साइन इनवर्स है और इस दूसरे वाले में दोनों कॉस इनवर्स। तो पहला वाला लेकर साइन इनवर्स एक्स की जगह लिख सकते हैं 90 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई की जगह लिख सकते हैं 90 माइनस कॉस इनवर्स वाई। एक एक 90 कट गया तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर हो गया माइनस पाई वाई टू। अब इसी के नीचे ये हमारा पहला समीकरण हो गया, पहले वाले को लिए दोनों साइन इनवर्स को बदल दिए कॉस इनवर्स में, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। और वो जो दूसरा वाला दिया है यह हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा। एक बार जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे हमको एक चीज का मान मिल जाएगा, और जैसे ही घटाएंगे दूसरे चीज का मान मिल जाएगा। जैसे आप जोड़ेंगे, जोड़ने पर चिन्ह बदलता नहीं है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस में कट जाएगा और यह जुड़कर हो जाएगा माइनस दो ठो कॉस इनवर्स वाई बराबर माइनस पाई बाई टू। अब
माइनस टू को इधर माइनस माइनस कट गया, तो कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई बाई फोर, टू टू जा फोर, तो वाई बराबर कॉस इनवर्स, नहीं कॉस इनवर्स को उधर भेजेंगे कॉस, कॉस पाई बाई फोर यानी कॉस पैंतालीस अंश। तो वाई का मान मिल गया, कॉस पैंतालीस का मान कितना होता है वन बाई रूट टू, तो वाई का मान मिल गया वन बाई रूट टू। अब जब घटाएंगे तो घटाने पर चिन्ह बदलेगा, तो ये कॉस इनवर्स वाई कट जाएगा, अब घटाने पर ये हो जाएगा माइनस दो ठो कॉस इनवर्स एक्स बराबर। अगर इसमें से जीरो घटाएंगे भी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस कट गया तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो गया पाई बाई फोर, यानी एक्स बराबर हो गया कॉस पाई बाई फोर, यानी एक्स का मान भी हो गया कॉस पैंतालीस यानी वन बाई रूट टू। तो इस क्वेश्चन में कॉस वाई एक्स का मान भी वन बाई रूट टू और वाई का मान भी वन बाई रूट टू, दोनों आंसर बराबर आए। ये पंद्रहवां क्वेश्चन था। पहले वाले समीकरण में दोनों साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदल दीजिए, दूसरा वाला समीकरण कॉस इनवर्स वाला ही है उसको इसी के नीचे लिख दीजिए। एक बार जोड़िए एक चीज का मान मिल जाएगा, एक बार घटाइए दूसरे चीज का। अब जो सोलहवां क्वेश्चन है उसमें यहां पर पाई बाई टू की जगह दे दिया गया है टू पाई बाई थ्री, और यहां दे दिया गया है पाई बाई थ्री, ठीक। जब आप पहला वाला लेंगे तो साइन इनवर्स एक्स को लिख देंगे 90 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसको 90 माइनस कॉस इनवर्स वाली, यहां 2 पाई बाई 3 है। अब देखिए क्या होगा, 90 और 90 180, और पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 अंश, 60 दुनी 120, 120 में से 180 घटेगा तो बचेगा माइनस 60, और इनका अंतर पाई बाई थ्री यानी 60। अंश में लिख दीजिए, जब आप 90 90 हो गया 180, 120 में से 180 घटाएंगे तो बचेगा माइनस 60, और यहां पर है प्लस 60, जोड़ेंगे तो माइनस 60 प्लस 60 कट के जीरो हो जाएगा। जीरो को माइनस दो से भाग देंगे तब भी जीरो, यानी कि वाई बराबर हो गया कॉस जीरो, और कॉस जीरो का मान होता है वन। जब घटाएंगे तो ये चिन्ह बदलेगा, यहां तो वही चीज बचेगा, चिन्ह बदलेगा तो ये बचेगा माइनस 120, घटाएंगे तो माइनस 60 माइनस 60 माइनस 120। अब माइनस माइनस कट गया, 120 को दो से भाग देंगे तो 60, 60 अंश, कॉस इनवर्स को इधर भेजेंगे कॉस 60, और कॉस 60 का मान होता है 1 बाई 2, तो यहां एक्स का मान मिल रहा है 1 बाई 2 और वाई का मान मिल रहा है 1, क्योंकि कॉस 0 का मान होता है 1, तो वाई का मान है 1 और एक्स का मान है 1 बाई 2। इनवर्स में इतने क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, और फिर उसके बाद एसटीक्यू लगाना है। एसटीक्यू लगाने के बाद जो जो क्वेश्चन ना आए वो पूछना है। अब जो है अगले क्लास से दूसरा चैप्टर शुरू किया जाएगा।